नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसमें हम चर्चा करेंगे कि किसी व्यक्ति को अचानक धन लाभ कैसे हो सकता है। धन का लाभ किसी रिश्तेदार से भी हो सकता है, वसीयत से भी हो सकता है, लॉटरी से भी हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है। किस किस व्यक्ति को अचानक धन लाभ होता है, इन योगों के बारे में हम बात करेंगे कि हाथ में कौन कौन से ऐसे चिन्ह हैं, कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जिनके कारण व्यक्ति को अचानक धन लाभ हो सकता है। देखिए, इससे पहले थोड़ा उम्र निकालना सिखा दूं मैं आपको। देखिए, ये हो गया शनि क्षेत्र। कोई भी रेखा कहीं से भी शुरू होकर इस क्षेत्र पर पहुंचे तो उसको भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा पर उम्र कैसे हिसाब से नीचे होगी? 0 साल की उम्र। जहां काटती है ये जहां होगी 36 साल, और जहां इस रेखा को काटती है वहां होगी 55 साल, 55, और आखिर में होगी 80 साल। ये तो होगी भाग्य रेखा में उम्र। अगर 0 और 36 का इसमें आधा करें तो होगी 18 साल। इधर लिख देता हूं दूसरी तरफ, ये होगी 18 साल। ये तो होगी भाग्य रेखा पर हम ऐसे उम्र को निकालते हैं। 0 से शुरू करना है, जहां ये मस्तिष्क रेखा को काटती है वहां हो गए 36 साल, जहां ये हृदय रेखा को काटती है वहां हो गए 55 साल, और सबसे ऊपर हो गए 80 साल। एक मनुष्य की एवरेज एज हम 80 साल मानकर चलते हैं कि उसकी एवरेज एज है जो 80 साल है। अब ये भाग्य रेखा है, इसके साथ कोई रेखा चले, मान लो इसके साथ जहां से रेखा शुरू होगी तो जहां उम्र होगी तकरीबन 20 साल, तो 20 साल की उम्र से व्यक्ति को अचानक धन लाभ होने के योग बनते हैं, उसको अचानक धन लाभ होगा। क्या चिन्ह हुआ? भाग्य रेखा के समानांतर रेखा चले, जिस उम्र से रेखा चले उस उम्र से व्यक्ति को धन लाभ होगा, अचानक धन लाभ होगा। और देखिए, अगर जहां से रेखा सूर्य पर्वत की ओर चली जाए, इस उंगली के नीचे चली जाए, तो इस उम्र में जो उम्र होगी तकरीबन 31 साल होगी, 31 से 32 साल होगी, तो तकरीबन इस उम्र में व्यक्ति को धन लाभ होगा, अचानक से धन लाभ होगा। वसीयत से लाभ हो सकता है, लॉटरी से लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, कहीं से भी लाभ हो सकता है, लेकिन उसको लाभ होगा। ये तो होगी भाग्य रेखा से व्यक्ति को कैसे अचानक धन लाभ होता है। ये उम्र वाला कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, अगर किसी की भाग्य रेखा जहां से शुरू हो रही हो, मान लीजिए जहां से शुरू होकर जहां जा रही हो, तो जहां पर 0 नहीं लेना, 0 यहीं से आएगा, 0 जहां पर ही लेना है। जहां पर जैसे 15 साल से शुरू हो रही है तो 15 साल आएगी उम्र, सबसे नीचे हमने 0 लेना है। इस तरह हमने भाग्य रेखा पर उम्र निकालनी है। तो दो चिन्ह मैंने बताए हैं भाग्य रेखा पर, कौन कौन से अचानक धन मिलने के। एक तो भाग्य रेखा के समानांतर रेखा चले ऐसे, और एक भाग्य रेखा से शुरू होकर रेखा सूर्य पर्वत की ओर जाए। तो अगर ये चिन्ह हो तो व्यक्ति को अचानक से धन लाभ होता है। ये तो बात होगी भाई भाग्य रेखा की। अब हम बात करते हैं जीवन रेखा की। देखिए, हाथ में ये जीवन रेखा होती है, जी हाथ में जीवन रेखा होती है, और इस पर उम्र कैसे निकालनी है? जहां 0, इसमें ऊपर 0 लेना है और नीचे 80 साल, इसका जो मध्य भाग हो गया वो 40 साल। जिस आयु में जहां से रेखा निकलकर सूर्य की उंगली के नीचे जा रही हो, उस आयु में, उस उम्र में व्यक्ति को अचानक धन लाभ होता है। जैसे इस केस में 30 साल के करीब व्यक्ति को अचानक धन लाभ होगा। आप उम्र को स्केल की सहायता से भी निकाल सकते हो, नहीं तो आईडिया से भी निकाल सकते हो कि व्यक्ति को किस उम्र में धन लाभ होगा। दोबारा समझिए, ये होगी हमारी जीवन रेखा, और इससे कोई भी रेखा निकलकर जहां से भी निकल सकती है, जहां से भी निकल सकती है। अगर इस जहां से निकले तो हो गए 40 साल, 40 साल में धन लाभ होगा। अगर जहां से निकले तो ये हो गए तकरीबन 26 साल, 26 साल से धन लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ हो सकता है।
ये तो होगी जीवन रेखा की बात। अब हम आगे चल लेकर चलेंगे मस्तिष्क रेखा को। देखिए मस्तिष्क रेखा ये वाली होगी। अगर किसी के हाथ में दो मस्तिष्क रेखाएं हों, ऐसे चाहे कम दूरी पर भी चलती हो ऐसे, तो भी व्यक्ति को अचानक धन लाभ मिलने के संकेत है, उस व्यक्ति को अचानक धन लाभ मिलता है। इसके बाद जो अगला संकेत है उसकी बात करते हैं, जी होगी जीवन रेखा, जी होगी मस्तिष्क रेखा। कोई भी शाखा जीवन रेखा से निकलकर मस्तिष्क रेखा से जाकर मिल जाए तो व्यक्ति को अचानक से धन लाभ होता है, प्रॉपर्टी से हो सकता है, बसीय से हो सकता है, मगर जहां एक बात का ख्याल रखना है कि इस रेखा को कोई रेखा काट ना रही हो, अगर ऐसे कोई रेखा काट रही हो तो कोर्ट केस के बाद लाभ होगा भाई, तो व्यक्ति को कोर्ट केस करना पड़ेगा, कोर्ट केस के बाद व्यक्ति को अचानक से दान लाभ होगा। तो ये मेरा वीडियो था दान लाभ के ऊपर, आप अपने हाथ चेक कर सकते हैं कि आपको दान लाभ होने के योग हैं या नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं आगे भी ऐसे वीडियो डालता रहूंगा, इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।